हाँ देखिए आप लोग, अब मैं ब्लॉक खंड खुटार के ग्राम नवाजपुर में हूँ। ग्राम पंचायत नवाजपुर जो कि विकासखंड खुटार के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे हम ग्राम पंचायत नवाजपुर की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पे बच्चे और बूढ़े कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता, सब अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। और इस पानी की समस्या को कोई भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग पिछले 3 दिनों से गांव का यही हाल है, और ये मासूम बच्चे इधर उधर खड़े हैं, सब ये सोच रहे हैं कि कोई आए और इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाए। आइए पूछते हैं गांव के ही कुछ लोगों से जो, हाँ भाई साहब आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ इसी गांव में रहते हैं सर। हाँ तो ये बताइए, ये इतना मतलब पानी कहाँ से आ गया और ये क्यों नहीं दूर हो रही है समस्या? सर ये लगभग पिछले 7 दिनों से पानी आगे वहाँ पे जहाँ पानी जा रहा था, नालियों का, समस्त नालियों का पानी जा रहा था। और ये जो गांव हमारी ग्राम पंचायत नवाजपुर है, और इस गली में जहाँ पे गांव की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, और इसी गांव में सरकारी राशन की दुकान भी है इसी गली में, और वहीं से जो है पानी आगे जो निर्माण कार्य वहाँ पे, जो ग्राम पंचायत की जो जगह होती है उस ग्राम पंचायत की जगह में सारा पानी जा रहा था। वहाँ पे जो है कुछ लोगों के द्वारा, वहाँ ग्राम पंचायत निधि के द्वारा वहाँ पे एक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिस वजह से उस पानी को किसी के खेत में जो है डिस्चार्ज करने के लिए वहाँ पे काट दिया गया था, और खेत के मालिक ने उस पानी को वहाँ पे रोक दिया है, जिस वजह से पानी जो है पूरी तरीके से ये गली भर चुकी है। हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, और ये बच्चे जो कि दिन भर गलियों में खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब 3 दिनों से अभी तक घर में कैद हैं। और बहुत ही अब ये पानी, सड़क का जो पानी है वो नालियों के माध्यम से हमारे घरों में जा रहा है, और इससे ये कीड़े मकोड़े आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं, ये देखिए सूरी या ये कीड़े, ये सब ये नालियों के माध्यम से हमारे घरों में जा रहे हैं। हाँ देखिए आप लोग ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, और आगे देखिए, और यहाँ की समस्या मतलब इतने नहीं, आगे तक ये भरा हुआ है, ये पीछे से रास्ता मुड़ा हुआ है और इधर भी पानी भरा हुआ है, निकल नहीं सकते, गंदा पानी है। और ये देखिए ये लोग खड़े हैं इधर से उधर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, मासूम चेहरे ये सब खड़े हैं, और ये आज से नहीं लगो 3 दिनों से इंतज़ार में है कि कोई आए और हमारी समस्या से हमें छुटकारा दिलाए। अब जिम्मेदार लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, और क्योंकि ये मोहल्ले की समस्या है, और ये लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लाठी डंडा नहीं चलाना चाहते, इसीलिए प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि शीघ्र से शीघ्र आकर इस समस्या का समाधान करें और इन लोगों को इस समस्या से छुटकारा तुरंत दिलाया जाए। जय हिंद।